शुभी तूने बनाया ये पराठे? नहीं। फिर क्या मतलब है? वो पैक करके लेके आई हूँ घर से, मेहनत कर लेके पैक करके और क्या? गाइस बहुत मजा आया लोग से बात करके, गाइस आर रियली फन। सचिन लगाता है ये वाला परफ्यूम। ये देखो। मेरी में तुम्हें सलमान सर के साथ मिला। हां। उसके साथ सबको दुबई देखता है। तुम्हारी बॉडी कैसे बन जाती है भाई? पलक तू जानती है सचिन को? सचिन और बहुत बार मिल चुके हैं। yes, yes, yes. लिफ्ट में कितने बार मिला यार तुम्हें? को नहीं मिला मैं, मुझे ना चेहरा तो एकदम परफेक्ट है। तुम्हें पता है थोड़ा टाइम पहले मेरे को लिफ्ट में मिला था। क्या मैं ये ब्लॉग में बोल सकती हूँ? हां बोल सकते हैं। बोल सब बोल भाई। ये ना तीन चार दोस्त लोग थे। अब पता नहीं किस रेफरेंस में कहा था इसने, अपने दोस्त को कहता है मैं लिफ्ट में खड़ी थी, कहते बहुत गर्मी सी नहीं हो गई अचानक से? भाई बिग फ्लर्ट भाई। और किस दिन मिले थे हम? साथ में मिले थे ना एक दिन। चिल किया था मैं अपनी फ्रेंड रिद्धि को लेके आई थी। मैं शादी के पीछे पड़ा हुआ था। उसने एक ही चीज कही थी, गाइस मेरी शादी के बारे में बात मत करना। पूरी रात इस आदमी ने सिर्फ उसकी शादी के बारे में बात। कुछ दिन एंजॉय करना है यहाँ पे और शादी थी। कुछ दिन में क्या है मैं शादी भूल के अपना एंजॉय करना चाहती हूँ। बार बार भाई शादी को लेके पोक कर जा रहा है। पोक करना कहते हैं उसको यार। शादी का ऐसे पीछे पड़ से कुछ चिल करने आया है तो उसकी शादी के पीछे ही पड़ गया है। वो बेचारी अपना मूड फ्रेश कर रही है। जल्दी तुम्हारी शादी का होने वाला है। चलो कर रहेगा मेरे साथ। पलक अलग मचोल है भाई। पलक ने ऐसी पलक झपकाई है और आंसू आ रहे हैं आंखों से। ये सचिन खुश हो गया, अब तुझे छोड़ेगा नहीं। ओए शादी कब करेगी? क्या भाई किसको सलमान सर को सिखाता था डांस? हां भाई। कौन सलमान? आई यूज्ड टू वर्क विद हिम ड्यूरिंग द बैंक टूर जब हो रहा था अबू धाबी में, सब जगह लंदन जिधर भी टूर हुआ है। सो आई यूज्ड टू वर्क विद हिम एंड पहली बार मैं दुबई तो ये सलमान सर के साथ स्टार्ट किया। तो हिंदी में बोल सकता था? नहीं भाई। उसके बाद तू पहली बार दुबई सलमान सर के साथ गया था? हां भाई। उसके साथ सबको दुबई देखता क्या? अबे सक्षम भी कंट्रोवर्सी में आएगा क्या? दुबई भाई। चलो भाई एक प्रॉमिस सा तो है। वैसे खैर मैं ज्यादा प्रॉमिस करता नहीं लोगों से क्योंकि सारे प्रॉमिस टूट जाते हैं। इसके साथ तो जाना है एक बार दुबई लक्ष्य के साथ। अपन तीनों का चल रहा है सिनेरियो, ठीक है? कब चल रहा है भाई? 2 महीने से कि भाई वहाँ वो वर्साचे होटल करा दिया। चलो चल रहे हैं वर्साचे होटल। तुम्हारी शक्ल में नाइकी एयर जैसी है। वर्साचे होटल तुमको वर्साचे होटल मिलेगा। कॉल आया था दुबई से। मेरे लिए कॉल आया था? कहाँ क्या था कॉल? ओ और क्या देगी? नहीं भाई उन्नति करना भाई। वो सचिन को भेज देगा मेरी जगह पे। बोल रहा है छोटा पैकेट बड़ा धमाका ही आएगा। नहीं उसका पर्सनल ये बड़ा पैकेट छोटा। हाँ बढ़िया मजा आएगा। नहीं भाई काफी उन्नति करो लाइफ में भाई। देख दुबई से कॉल आ रहा है। ऊपर वो दे रहा है क्या? पूरा बॉल ले रहा ऊपर। ये देखा ये नए बच्चे आजकल के बच्चे ब्लॉग। भाई सुन भाई जैसे भी बनाओ सुन मेरी बात। नहीं तू मेरी बात मत कर। मेरी बात सुन तू। गाइस ठीक ठाक लग रहा है ब्लॉग या ये जो बकचोदी कर रहा है कि ऐसे दिखा रहा है दीवार में बात? नहीं भाई मैं तो दीवार में यार भाई निकल। खोल गेट देख कौन आया। अबे क्या हो रहा है? सचिन वेट कर रहा है तब से यार। अबे क्या 50 लोग कैमरा डालोगे क्या? वेट कर रहा है यार तुम सबसे। ओ भाई उतनी बॉडी कैसे बन जाती है भाई? The next day न्यू मॉर्निंग और देखो कौन आया हमारे फ्लैट में। स्टीव। एक तो स्प्लिट्सविला में कैमरा था जो मुंह पे आ जाते थे। ये कैमरा नया आया जो मुंह पे आ जाता है। सुबह ने इतना तंग किया ना मुझे। मैं सोया पड़ा था आराम से, आके तंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये दे दे वो दे दे। गाइस तुम मेरे को उठ जान दो तो मैं बताऊंगा ये आदमी कितना बेकार है। हां ओ वाओ फाइनली चश्मा मिल गया मुझे वापस अपने। भाई लक्कू तू भी दे दे मेरे वो वाले चश्मे। अबे टी-शर्ट पहन। टी-शर्ट मस्त लग रही है ना? अबे भाई क्या आदमी है। हाँ क्या आदमी है। तुम मेरे कपड़े महीना भी ना रखो और तुम आए मैं पहन के जा भी नहीं सकता। मस्त लग रही है ना इंटरव्यू में? सही लगेगी ना? सैन लग रही है इसकी लक्ष्य की। तू भी हंस रहा भाई इतना? मैं हंसता रहता भाई ऐसे ही है हमारा काम ऐसे आ रहा है। तो भाई अभी पता है लक्ष्य इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। कह रहे कैसे जा रहे हैं? मैं ऑटो से चलते हैं भाई। कार वार में तो ट्रैफिक बहुत टाइम लग जाता है। वैसे ही लेट हो गया। कह रहा ऑटो का नीचे आएगा भाई ये पूछा है कि बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, नीचे मिल जाएगा ऐसी। भाई मेरे को नहीं पता है। वाह आदमी है भाई, लंदन घूमने वाले लोग। भाई जब नहीं पता हो चुका है लॉक। क्या हो गया? लॉक हुआ है अभी, ये पीछे लगी तो होगा करा ना। रुको एक सेकेंड, अभी तुम्हें दिखाते हैं। अपना घर लॉक करना नहीं आता भाई, इसे घर पे आके ये सिखाना पड़ रहा है लॉक कैसे। अरे कुंडी किसने अटका दी है भाई? लक्ष्य बिना लेफ्ट आ चुकी है भाई। दो लेफ्ट है हमारी बिल्डिंग में, इतने भी गरीब नहीं है भाई। और फिर शुक्रिया, कैसा लगा लक्ष्य से मिलके? तेरे भाई ने पराठे नहीं खाए ना, मैंने जो छोले चावल मंगाए वो खाए इसने। भाई ऐसे ही थोड़ा भाई है मेरा, तेरे को पता नहीं मैं पहले से खा चुका पराठे, उसके बाद छोले चावल। पहले क्या खा रहे हो इसके मेरे सामने ही झूठ बोलो। अरे शुभी तूने बनाए पराठे? नहीं। फिर क्या मतलब है घर से मेहनत कर रहे क्या लग रहा है? पैक करके और क्या? इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कर ली यार शुक्र तूने? मेथी के पराठे, मेथी के पराठे बहुत सारे। मेथी, हाँ मेथी। बस फिर अभी हम जा रहे हैं श्रेया, वो श्रेया नहीं श्रेया जाता मुँह पे, साक्षी और जस्टिन के पॉडकास्ट पे। रोडीज टाइम भी इन्होंने बुलाया था यार, उस टाइम ज़्यादा हवाबाजी थी, मैं जा नहीं पाया था, बिजी था। ऐसा कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है, कम कर दी, सीख रहा है। गाइस हमने सोचा एक प्रैंक करने का, लेकिन अब ये कोई फकअप कर दे तो अलग बात है। मैंने एक बड़ी आइडिया दिया है इसको। अपने आप को बहुत बड़ा सोच समझता है ये भाई। समझता नहीं हूँ मैं, हूँ भाई। अबे सुन, हेलो इधर सुन मेरी बात सुन। हां जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना वो समझ सकते हैं कि जस्ट दिग्विजय कुछ होगा। क्या है दिग्विजय? कुछ नहीं है भाई। हां सही है, देखो ये रहा। और सुबह को छोड़ दिया गाइस, देखो वो बेचारी है बेचारी। इतना बंदी को नहीं मनाना पड़ता जितना यहाँ मुंबई में ऑटो वाले को मनाना पड़ता है। ले चलो ले चलो, अरे अरे यहाँ तक ले चलो, फिर आगे ले चलेंगे। अरे 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 मान गए भैया, मान गए, थैंक यू थैंक यू। बोल 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 रहा हूँ दिग्विजय। अबे ऑटो वाले भैया वो क्या मतलब है भाई? दिग्विजय कौन कौन नहीं है कि नहीं छुपी? मैं दिग्विजय हूँ, मैं ये हूँ। बोल दिग्विजय नहीं भाई, हूँ मैं भाई। यहाँ प्यार से काम चलता है, प्यार से रहो और मत उड़ो भाई। बस प्यार से ही बात की, मैंने ही करवाया ना। वो मेरे मेरी शरण ले ली सही है। हो सकता है शुभी को देख लिया, शुभी आपको तो लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं, मैं 4-5 ऑटो रुक जाते हैं। अभी ना बॉम्बे के ऑटो है ये, स्प्लिट्सविला के नहीं है। अब स्प्लिट्सविला में तो 2-4 बंदे थे ऑटो चलाने वाले। सीधा 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 बाद में जाना है। सही है भाई, सही है हमारा, सही है। वैसे भी आईडी तो दिल्ली में चलाता है ऑटो। गाइस मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसको दे देना गालियाँ गुलियाँ, मैं नहीं किसी को दिक्कत नहीं। दो भाई दोस्त है मेरा, वो तो दोस्त है, उसके फैंस दोस्त नहीं है ना, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ। अरे मैं जब रिकॉर्ड करने का मन होता तो गाइस ये ब्लॉगिंग सिखा रहे थे मुझे। आज हमने बहुत ही अमेजिंग ये कभी भी ऑन हो जाता है दिग्विजय ब्लॉग। बहुत मजा आया लोग से बात करके, really fun। सुन रहे हो? इस बार के स्प्लिट्सविला में ये दोनों वो टाइप के लोग हैं जो आई फील बहुत ही ज्यादा डिसेंट अप्रोच रखते हैं। बाकी सब तो ठीक है, सब अच्छा खेल रहे हैं, सब बुरा खेल रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। बट दीज गाइस वाले काम, अच्छी बात है, काम रहना जरूरी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसके चैनल को बहुत सारा प्यार दो और इनके चैनल पे जाके पॉडकास्ट शायद डल गया होगा, नहीं डला होगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। देखना जरूरी है। कौन सा ब्लॉग या पॉडकास्ट पे जाएगा पता नहीं, एडिट तो काफी रॉ रियल कन्वर्सेशन गई है, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि बैठ के जबरदस्ती बात करनी पड़ रही है। ऑनेस्टली ऐसा लगा कि नहीं, बड़ी बात नहीं कि अभी ब्लॉग छोड़ा और कैमरा उसने ऑन ही नहीं किया ऐसा कैसा होता है? ऑन है भाई, ऑन है, आई अंडरस्टैंड, ये रेगुलर है। हो सकता है कैमरा इतना गंदा हो गया ब्लर नजर आ रहा हो, पकड़ने का एंगल भी पड़ रहा है। अरे भाई मैं कह रहा हूं कैसे भी पकड़ लेता हूं, ये ब्लॉग बना लेता हूं, ब्लॉग अपना बन रहा है। गाइस जब से 3 बार बोल चुकी है जस्टिन बेल्ट लगा ले टिंग टोंग कर रहा है। और ये देखो विमेन विमेन कार रोक के बेल्ट लगा रही है। कार देखो कितना लेग रूम मिला हुआ है भाई लक्ष्य को। देखो पापा ये तो आपको छीलना पड़ेगा। एक तो मेरे पैर लंबे है ना तो मैं और पीछे होके बैठता हूँ। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, सो प्राउड ऑफ यू। जल्दी मर्सिडीज आए, BMW आए और ऐसे ही हम उसमें घूमे। सही बात है भाई, बस कर्जे में चली जाओगी, अभी लग्जरी कार नहीं ले। अरे बस 6 महीने की बात है। और कुछ क्रॉक्स के कैंप अभी दिग्विजय वाला शोरा पॉडकास्ट बाहर आया, बस बात ही गाइज अभी अभी साक्षी ने पूछा है कि भाई हाउ इज माय एजेंसी जो मेरे को हैंडल कर रही है इंस्टाग्राम पे। तो ये साक्षी मुझसे नहीं, आप लक्ष्य से पूछो। एजेंसी चेंज हो गई है क्या? कुछ नहीं कर रहा है, जो मेरे को डील आती है अपनी बात करने लग जाता है उनसे, कह रहा मेरा कराओ उसका छोड़ो। मैं बताता हूँ, मैं किसी को, हम लोग हमारी एजेंसी किसी को मैनेज नहीं करती पर्सनली, बट इसके लिए मैंने बोला कि यार मेरे को पता है कि एजेंसी कैसे वर्क करती हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई कोई नहीं, तू हमारे यहाँ से वो जो ब्रांड्स आती हैं इसको पुश करना मतलब मेरा काम है। फिर वाली बात हो जाती है यार, हर एक को पता है एजेंसी वालों को कि भाई किस किस को पुश करना है। अब मेरे दोस्तों तो मुझे पता है ना पुश कब कब करना है। बात ये है गाइस, अभी बात चल रही थी कि सचिन कभी भी गुलाटी मार के दिखाता है, तो देखते हैं सचिन आज गुलाटी मार के दिखाएगा। करते से बैकफ्लिप मार दिया तो ये ब्लॉग बनाएगा पहले। मैं चैलेंज ले रहा हूं, अबे चैलेंज है, अभी ब्लॉग में बोल दिया है क्या तू अंदर आते ही गुलाटी मार के दिखा सकता है? ये चैलेंज हंस कर है, इसमें कर सकता हूं भाई, करना तभी तो कर रहा हूं, चैलेंज है ब्रो। क्यों करोगे? अबे यार सचिन लप्पू से रहा नहीं जाता हमारे बिना। अभी हम 10 दिन साक्षी करते बढ़िया कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आ गया टपक गया। मैं भी आऊंगा, मेरे को तो जरूरत थी भाई लप्पू की। तुझे क्या दिक्कत है भाई? पहले सचिन का स्टैंड गाइस बोली कर रहे हैं ये दोनों। सचिन को गाइस हम नीचे वेट कर रहे थे, हम बोले आप फटाफट ऊपर। गाइस आप चाहते हो लक्ष्य बढ़िया इसका ब्लॉग बन गया स्लाइड में, सॉरी ब्लॉग। गाइस तो सचिन लगाता है ये वाला परफ्यूम। ये देखो, और भाई कह रहा है लड़कों वाला है, इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा भाई लड़कों वाला है। भाई परफ्यूम की फ्रेग्रेंस परफ्यूम होता है, अब इसमें से कोई हगने की स्मेल तो है ही नहीं। ठीक है यार सचिन, तुम कितनी चीप बातें करते हो। अब तुम जैसे लोग ना तुम्हारे लिए चीप ही चीज है। वो तो लोगों को पता चल रहा है भाई कौन चीप बातें कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे। कोई बात नहीं भाई, ये वाला परफ्यूम लगाता है और बहुत महकता है। पापा की परी मैं शैतान का घर। देख 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 गाड़ी अरे भाई पीछे बोला अबे आराम से, कोई बात नहीं। लॉन्डो का ही है गाइस, लॉन्डो का ही है। कुछ कुछ चला नॉर्मल चला, ऐसे होता है अचानक से मुझे